पार्वती जी फिर खड़ी हुई और माता पार्वती जी ने शिलाखंड पर खड़े होकर वापस निहारा, कोई बच्चा नजर नहीं आया, कोई बच्चा नजर नहीं आया। बार बार माता पार्वती बच्चे को निहार रही है और बच्चा चिल्ला रहा है, बार बार पलट कर देखा जा रहा है। फिर जब देखा पार्वती जी ने कि कोई समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो कौन रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन बोल रहा है, किसको मालूम। थोड़ी देर बाद मां फिर सेवा में तल्लीन हुई। शिव महापुराण की कथा कहती है जब जब आप सेवा में तल्लीन होंगे, जब जब आप भगवान की सेवा में जाएंगे, जब जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए अग्रण्य बनेंगे, तब कोई ना कोई आपको रोकने का प्रयास करेगा, किसी ना किसी तरह से तुम्हें थामने का प्रयास करेगा, किसी ना किसी तरह से तुम्हें रोकने का, अवरुद्ध करने का प्रयास किया जाएगा। पर तुम्हारी भक्ति प्रबल होना चाहिए, दृढ़ता प्रबल होना चाहिए। भक्ति की प्रबलता। मैंने तेरे ही भरोसे से बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग शंभु मैं तेरी पतंग। शिव कथा कह रही, बच्चे ने फिर चिल्लाया और बच्चा जैसे ही चिल्लाया अब की बार मां ने देख लिया। अभी तक मां देख रही थी पर्वत पर, अभी तक मां देख रही थी भूमि पर अब मां ने देखा कि एक जलाशय में एक मगर एक बच्चे को पकड़ने के लिए घाट पर आ रहा है। एक मगर एक घड़ियाल एक बच्चा सोया हुआ है, उसको पकड़ने के लिए घाट पर आ रहा, छोटा सा बच्चा है। अब मां से रहा नहीं गया, मां से रहा नहीं गया। जैसे ही वो छोटा सा बच्चा चिल्लाया, पार्वती मैया पर्वत पे से कूद कर, जिस शिला पर माता पार्वती जी बैठी थी उस पे से कूद कर मां तुरंत, मां उस शिला से कूदी और कूद कर जलाशय के पास में मेरी माता पहुंच गई। अब जैसे ही जलाशय के पास मेरी मां पहुंची और माता ने देखा बच्चा चिल्ला रहा है, मां मुझे बचा लो, मां मुझे बचा लो, मां ये घड़ियाल ये मगर ये ग्रह मुझे खा जाएगा, आप बचा लो मुझको। मां जाकर घाट पर खड़ी हो गई और खड़ी होकर माता ने घड़ियाल को रोका, ए घड़ियाल ए ग्रह रुक, ए ग्रह रुक जा, तू इस बच्चे को नहीं खा सकता, तू इस बच्चे को नहीं खा सकता। घड़ियाल मुस्कुराकर बोला, हंसकर बोला, पार्वती जी इस सरोवर पर दिन के तीसरे पहर में जो भी मुझे मिलेगा वो मेरा भोजन होगा, ये मुझे वर प्राप्त है। तीसरे पहर में जो भी मुझे मिलेगा इस सरोवर के तट पर वो मेरा भोजन होगा। अब देखिए किसी किसी का एक समय होता है, जैसे आज बेटमा वालों की किस्मत है, आज बेटमा वालों का भाग्य है कि शनि प्रदोष के दिन आप ये पावन शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो ये आपका भाग्य है। Thank you.
ये आपका भाग्य, ये आपका सौभाग्य है। कुछ किस्मत में लिखा होता है, कुछ भाग्य में लिखा होता है। अब एक ग्रह, तुम इस बच्चे को नहीं खा सकते। ग्रह कह रहा है कि दिन के तीसरे पहर में जो भी मुझे भोजन मिलेगा मेरे घाट पर मुझे खाना है, क्योंकि ये मेरा आहार है, ये मेरा भोजन है, मैं इसको खाऊंगा। नहीं नहीं, मां कहती है तुम इसे नहीं खा सकते, क्योंकि ये मुझे पुकार रहा है, ये मुझे आवाज दे रहा है। और अगर ये मुझे पुकार रहा है, मुझे आवाज दे रहा है, तो तुम कैसे खा सकते हो इसको? तुम खा नहीं सकते। पार्वती जी कहती हैं तुम इस बच्चे को छोड़ दो। ग्रह कहता है ये बच्चा तो कौन है तुम्हें मालूम है क्या? किसकी संतान है तुम्हें मालूम है क्या? एक बहुत सुंदर संवाद ब्रह्मवेत्ता पुराण का है। आज शनि प्रदोष के दिन आप लोगों को थोड़ा स्मरण में ला दूं। किसी भी चीज का उद्यापन करो, 16 सोमवार का उद्यापन करो, चाहे तुम शुक्रवार का उद्यापन करो, चाहे तुम सोमवार का उद्यापन करो, चाहे तुम एकादशी का उद्यापन करो, चाहे तुम प्रदोष का उद्यापन करो, चाहे तुम जिस भी व्रत का उद्यापन करो, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर के लोगों को गिनने से पहले बाहर के लोगों को गिनना जरूरी है। थोड़ा ध्यान देना। और आप लोग क्या करते हो उद्यापन में? सबसे पहले अपनी जेठानी को गिन लिया, इसको गिन लिया, उसको गिन लिया, उसको गिन लिया। और शिव महापुराण की कथा कहती है जेठानी तो तुम्हारे यहाँ का भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, ननंद तुम्हारे यहाँ का भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी देवरानी भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी चाची सास भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी काकी सास भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है। जब हम उद्यापन में दूसरे को गिनते हैं और उसको कोई सामान देते हैं, उसकी कोई सामग्री, कोई सुहाग की पिटारी, कोई सामग्री हमने उसको उद्यापन में दी, तो वो हमारा दान कहलाता। हमने अपने परिवार वाले को भोजन कराकर अपन ने उद्यापन में गिन दिया और अपने परिवार वालों को दे दिया। इसको देना नहीं कहते, इसको दान नहीं कहते। इसका पुण्य आधा हो जाता है। इसके पुण्य की परिभाषा यहां नहीं कहा जाए। अब और सरल भाषा में समझ लीजिए। कई माताएं कहती है हमने तो अपनी बेटी को यह सामान दे दिया, मतलब हमने खूब दान कर दिया। अब एक बहुत अच्छे से समझ लेना, हमने हमारी बेटी को यह दे दिया तो हमने दान दे दिया, हमने हमारी बेटी को पापड़ बना के दे दिया हमने तो बहुत दान कर दिया, हमने हमारी बेटी को साड़ी दिला दी हमने दान कर दिया, हमने हमारी बेटी को सामान दिला दिया हमने दान कर दिया। बेटी दान लेने की हकदार नहीं है, बेटी अपने मायके का हक लेने को दमदार है। तुम बेटी को एक साड़ी देकर यह मत सोचना कि हम दान दे रहे हैं। बेटी तो खुद कन्यादान में जाती है। आप बेटी को अगर वस्त्र दे रहे हो तो दान नहीं कर रहे हो, आप बेटी को कोई सामग्री दे रहे हो तो दान नहीं कर रहे हो, आप बेटी को कोई सामान दे रहे हो दान नहीं कर रहे हो, आप बेटी के बेटे को 500 रुपए का लिफाफा दे रहे हो ये दान नहीं कहला रहा है। ये वो अपना हक लेकर जा रही है। आई है माँ बाप के घर में तो साड़ी तो देना पड़ेगी, नहीं देगी तो काले कोट वाला दिला देगा। ये दान नहीं है कि तुम कह दो कि नहीं साहब हमारी तो हमने बहन बेटी के दान दे दिया, हमने तो हमारी बहन बेटी के दान दे दिया, हमने तुम्हारी बहन बेटी के दान दे दिया, तो बहन बेटी कई भिक्षा मांगे तुमसे? अरे बोलो तेरी बेटमा वाली हो, बोलो बोलो जम के बोलो, तुम क्या भिक्षा मांगो कि हम भैया के जाएं तो दान दे के आएंगे? दान लेकर बहन बेटी नहीं आती। बेटी अपने भाई के यहां से दान लेकर नहीं आती, बेटी अपने मायके से दान लेकर नहीं आती। बेटी मायके में जाकर अपने माँ बाप से और कहती है कि किसी ब्राह्मण को बुलाकर मम्मी सत्यनारायण की कथा कराकर थोड़ा सा दान दे दो, ये बेटी कहती है। बेटी दान लेकर नहीं आती है, बेटी दान दिलवा कर आती है। और बेटी मायके से अगर एक साड़ी भी लेकर आती है तो वो दान की नहीं, बेटी अपना हक लेकर आती है। जब तक माँ बाप हैं तब तक बेटी लेकर आती है। तो जितनी भी भाभियां हैं वो ये कहना बंद कर दे कि हमने ननन को कुछ दान दिया। दान नहीं, हम जानते हैं तुम अगली बार हमें बेटवा नहीं बुलाओगे इस बात के लिए,
भले मत बुलाओ, पर जो रीत की बात है, यहाँ शिव महापुराण की कथा कह रही है, यहाँ शंकर जी का संवाद कह रहा है कि पार्वती जी कह रही हैं कि ग्रह कह रहा है पार्वती जी से, इससे तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है, ये बच्चा कौन है तुम पहचानती हो, इसके माँ बाप को जानती हो, इसकी रिश्तेदारी पहचानती हो, इस बच्चे को क्यों बचाना चाहती हो, इस बच्चे को मुझे खाने क्यों नहीं देना चाहती। पार्वती जी कहती हैं अगर मेरी संतान होती तो मैं छोड़ देती, पर ये ना जाने कौन है, किसका पुत्र है, उसने मुझे पुकारा है, इसलिए मैं इसको बचाना चाहती हूं। बहुत ध्यान देना, अतिथि देव भव, अतिथि देव भव। ये इतने सारे लाखों लोग आए बेटमा में, इनसे किसी की रिश्तेदारी है क्या? अरे बोलो, जम के बोलो, नहीं है। कोई इनको पहचानता है कि कहां से आ गए? कोई ट्राली में बैठ के, कोई ट्रक में बैठकर, कोई गाड़ी में बैठकर, कोई मोटरसाइकिल में बैठकर, किसी से कोई की रिश्तेदारी नहीं है, पर बेटमा में आए हैं। और बेटमा के एक व्यापारी ने भी, बेटमा के एक व्यक्ति ने भी, बेटमा का एक व्यक्ति ने भी अगर इनको एक गिलास पानी भी पिलाया है तो समझ लेना तुमने अपने वाले को पिलाया, तो ये सोच के पिलाया कि मेरी मौसी है, मेरी काकी है, मेरी बुआ जी है, पर पराए व्यक्ति को अगर हमने एक गिलास पानी भी पिलाया है, समझ लेना वो तुम्हारे खातों में करोड़ों का हो गया है। उसका फल कम नहीं हो सकता, वो करोड़ों का होगा, अधिकता का होगा। आज ये विशाल पटेल जी कथा करवा रहे हैं, विधायक जी कथा करवा रहे हैं, ये कथा चाहते तो छोटे रूप में करा देते कि मेरे घर का व्यक्ति सुन लेगा, परिवार का, ना 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 ना, उन्होंने कथा करवाई संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए कि पूरा देपालपुर क्षेत्र का एक एक बच्चा बच्चा भले कथा में आए ना आए, आस्था चैनल पर सुने, चाहे फेसबुक पर सुने, चाहे पंडाल में बैठकर सुने। तो एक विशाल पटेल जी ने विचार करा कि कम से कम क्षेत्र का व्यक्ति अगर कथा सुनेगा, भले उसके कानों में जाए ना जाए, पर हमारे क्षेत्र का कल्याण हो जाए, यह कथा का मूल लक्ष्य हो, यह कथा का मूल लक्ष्य तत्व वही सम्मिलित है। आप अपनी मौसी को पानी पिला रहे हो, आप अपने काका जी को पानी पिला रहे हो, आप अपने चाचा जी को पानी पिला रहे हो, वो अलग बात है, पर कोई अनायास आया है। हम यहां से जाते हैं गाड़ी से, ये कार्यकर्ता जब हमको यहाँ से लेके जाते हैं तो हम देखते हैं किसी ने नल लगा दिया है, कोई बाहर खड़ा हुआ है, कोई हाथ जोड़कर पानी दे रहा है, कोई बोतल दे रहा है, कोई पाउच दे रहा है, कोई उसको पोया दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, ये आप पहचान बिना दे रहे हो, बिना पहचान। मिल रहा है उसका। पार्वती जी से ग्रह ने कहा, ये आपका कोई रिश्तेदार लगता है क्या? नहीं नहीं, मेरा रिश्तेदार नहीं। आपका रिश्तेदार नहीं है? नहीं। तो फिर आप इसको बचा क्यों रही हो? पार्वती जी बोली, रिश्तेदार होता तो मैं तुम्हारे सामने दे देती, मेरा पुत्र होता तो मैं तुम्हारे सामने दे देती कि ग्रह इसको खा ले, पर दिक्कत यह है कि मैं इसको पहचानती नहीं हूं, यह कोई दूसरा। ये दूसरा है, ये उसी में का हाल है। एक महिला ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए गई, गाड़ी चलाना सीख गई और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गई, तो जो मैनेजर था, ऑफिसर था, उसने महिला से पूछा, एक तरफ तुम्हारा भाई है, एक तरफ तुम्हारा पड़ोसी है, तुम गाड़ी से जा रही हो, इधर भाई है, इधर पड़ोसी है, तुम किसको मारोगी? महिला तुरंत बोल दी, पड़ोसी को। मैनेजर ने कहा, ऑफिसर ने कहा, मैं 3 साल से तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का प्रयास कर रहा हूँ, 3 साल से समझा रहा हूँ कि इधर पड़ोसी है, इधर भाई है, और तुम्हें अगर मारना है तो किसको मारोगे? तुमसे
तीन साल से कह रहा हूं कि ब्रेक मारूंगी ऐसा बोल, तू जब देखो जब पड़ोसी को मारूंगी बोलती। व्यक्ति का, आधे व्यक्ति का उद्धार तो इसीलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि वो दूसरों को देख देख के जले जा रहा। पड़ोसी के यहां ट्रैक्टर आ गया दूसरे नंबर का, इसने रोटी खाना छोड़ दी। ये उसी में कहा ले जैसे एक बुढ़िया के सामने से कपास की गाड़ी निकल कर गई, ढेर कपास बड़ा और कपास की गाड़ी निकल कर जा रही है। अब बुढ़िया ने सोचा इतना सारा कपास कितने का बिकेगा, कितना पैसा आएगा, कितना धन आएगा। बुढ़िया सोच सोच के बीमार पड़ गई और नीचे टपक गई बेहोश, चक्कर खा के नीचे। घर के लोग आए, उसको उठा के अंदर ले गए, सबने पानी का छींटा दिया, उठी नहीं रही। सब चिल्लाने लगे, रोने लगे, बहुएं धाड़ धाड़ के रोने लगी, बेटे रोने लगे। डॉक्टर ने भी आकर देखा तो इसकी तो सांस नहीं चल रही, सब रो रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं। सामने वाली अम्मा को मालूम पड़ा जो इसके पास में बैठती थी, उसने आते से ही पूछा क्या हुआ। बस बैठी थी अम्मा बाहर ओटले पर दरवाजे पर, सामने से कपास की गाड़ी निकल कर गई और अम्मा बस थोड़ी देर बाद चक्कर खा के गिर गई। इतने में सामने वाली आंटी ने कहा, सामने वाली अम्मा बोली, तुम चिंता मत करो अभी उठ के बैठती है, मैं अपनी सहेली को अच्छे से जानती हूँ, तुम रुको, तुम सब ऐसी कैसी रोना, मैं अभी बाहर जाती हूँ अभी आऊंगी। और जैसे ही वो अम्मा बाहर गई और आते से दौड़ कर बोली, जी जी जो तेरे सामने से कपास की गाड़ी गई थी ना उसमें आग लग गई। जी जी उठ के बैठ गई तुरंत एकदम तैयार और तुरंत पल्लू लेके बोली, सही में। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया, इसको कौन सी दवाई दी, कुछ नहीं, दूसरे को देख देख के जले जा रही, जले जा रही, जले जा रही, जले जा रही। फोर व्हीलर गाड़ी कैसे आ गई, बंगला कैसे बन गया, इतनी जोरदार जमीन में फसल कैसे आ गई, बहू इतनी अच्छी कैसे आ गई, सब इसका कहना मान के चले। इतनी जोरदार बहू आई और बहू भी आई ने कहा, छोरा भी हो गया, अब तो और मरी गई। और शिव महापुराण की कथा कह रही है, क्या किसको रोइए, बोलो बोलो बोलो, चादर तान के सोइए, अपने को क्या करना। शिव मंदिर में जाना, शंकर के मंदिर में जाना, एक लोटा जल अगर शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो अपनी सामर्थ्यता के अनुसार। पड़ोसन चांदी के लोटे से जल चला रही है उससे हमें मतलब नहीं, पड़ोसन सोने के लोटे से जल चढ़ा रही है हमें उससे मतलब नहीं, पड़ोसन किस लोटे से जल चढ़ा रही है हमें उससे मतलब नहीं है। आपके पास में जो पात्र है भगवान को उस पात्र से जल चढ़ाओ, एक दिन आएगा भगवान तुम्हारे हाथ में भी चांदी का लोटा पकड़ा देगा। ईर्ष्या से नहीं, ईर्ष्या से नहीं। हमारी आदत है, हम शिव जी के मंदिर में जाते जाते भी हम थाली देख लेते हैं, इसकी पूजन की थाली में इतना सामान रखा है, मेरी थाली में तो कुछ है ही नहीं। अभी अभी थोड़े दिन बाद ये होली हो जान तो वो एक माता जी की पूजन होगी, शीतला माता की, शीतला माता की पूजन होती है, यहां होती है, अरे बोलो तो, होती है शीतला माता की पूजन होती है ठंडे समय में, शीतल समय में। शीतला माता ने यह नहीं किया कि रोटी बना के उठो और थाली लेके लाइन में लग जाओ, तुम देखना शीतला माता की पूजन करने लोग जाते ना शीतला सप्तमी शीतला अष्टमी पे, बस 11 बजे तक तो रोटी बनाती रहेगी, सामान बनाती रहेगी, एक डेढ़ घंटा में ठंडा हुआ, 12:30 बजे उठ के सीधे लाइन में लग जाएगी, जल्दी से पूजन करके सो जाऊंगी, काम खत्म। शीतला माता ने भी सोच लिया, बस तूने मुझे बेवकूफ बनाया, अब रुक जा तू, 11 बजे तक भोजन बनाया, 10 बजे तक भोजन बनाया, 1 बजे रात को लाइन में लग गई पूजन करने के लिए, 1 बजे रात को, न जाने किसने फैला दी,
कि 1 बजे रात को लग जाओ लाइन में, सुबह तक पूजन करके अपने घर आ जाओ, फिर आराम से आके सो जाओ। अब इतनी जल्दी क्या है भगवान के पूजन की, माँ की पूजन करने जा रहे हो, माता से लाड़ लड़ाने जा रहे हो, अपनी माता से अपने दिल की बात कहने के लिए जा रहे हो, अपने स्नेह की बात कहने के लिए जा रहे हो, तो धीरे धीरे प्रेमवश आनंद से माता की आराधना शीतल समय में, ठंडे समय में। ठंडे समय का मतलब है भीतर से ठंडे होकर, अपने भीतर से ठंडे होकर। अब अपने भीतर तो ठंडाई है ही नहीं ना, जल्दी जल्दी चलो, और आधी बहुत पतली खुशी है, और एक इतना बड़ा कपड़ा थाली पे ढाक ढुका के लाइन में खड़ी है शीतला माता, या हाथ में लोटा या हाथ में थाली। और इतनी देर में पड़ोसन निकल के बाजू में से जा रही थी और लोटा थोड़ा सा ढुल गया। अब यहाँ शीतला माता की पूजन करने आई और ये हो गई चंद्र घंटा, लोटा जरा सा ही पानी का झलका, देख के नहीं चल सकती, ठंडा भोजन हाथ में, लोटा ठंडा पानी का और अंदर अग्नि। शीतला माता भी कह रही इसको अजान दो पहले, इसको क्या मतलब, भीतर से शीतल होइए, भीतर से ठंडे होइए। चित्त वृत्ति मन जब भीतर से शीतल होगा, ठंडा होगा, तो मेरी शीतला माता, तुमने पूजन करा ना करा, मेरी शीतला माता प्रसन्न हो जाएगी। बस भीतर से शीतल होइए, ठंडे होइए, भीतर से। मां ग्रह कह रहा है, मगर कह रहा है, घड़ियाल कह रहा है, आप इसको बचाना क्यों चाहती हो? आपका क्या रिश्तेदार लगता है? आपका क्या पहचान वाला है? आपका क्या परिचित है? नहीं, मां कहती है अगर मेरा परिचित होता तो बात दूसरी हो, ये मेरा परिचित नहीं है। तो फिर मां कहती है इसने मुझे पुकारा है, और माता कहकर पुकारा है। पार्वती जी का ये संवाद अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा। पार्वती माता ने ग्रह को ब्रह्मवेत्ता पुराण में एक बात कही है कि पार्वती जी ग्रह को कह रही है, मगर को कह रही है कि शंकर भगवान को, देव अधिदेव महादेव को, और मुझे, संसार का कोई जीव माता और पिता कहकर अगर पुकारता है, तो पार्वती जी कहती है शिव और पार्वती उसके सामने जाकर खड़े हो ही जाते हैं, ये निश्चितता है। उसने पुकारा, ठीक है, आप जिस भाव से पुकारता, पार्वती जी ग्रह कह रहे हैं कि यह बच्चा आपका पहचान वाला है? नहीं नहीं नहीं, माता पार्वती कहती है मेरा पहचान वाला नहीं है मेरा, पर बचाना मेरा फर्ज है। जो पार्वती मैया कर रही है देव अधिदेव महादेव को पिता मान लेता है, इसलिए आपने शिव महापुराण की कथा में सुना होगा, कभी भी सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर आओ तो कुबेरेश्वर धाम पर यह मानकर आना कि आप अपने मायके जा रही हो, शिव पिता मानकर आना। और जो शंकर को पिता मानकर आ जाता है तो वो बेटी को खाली नहीं भेजता, झोली भर कर भेज देता है, वो खाली नहीं भेजता, एक श्रेष्ठता के सुख के साथ आई, एक आनंदता के साथ। महाराज बस उसके द्वार पहुंचे, प्रार्थना करी, विनय करी, निवेदन करा, वो सुख मिला, आनंद पाया। अपनी किस्मत का ताला
अनजान बच्चे के प्राण को बचाने के लिए मेरी जिंदगी का जितना मैंने तप करा, साधना करी, व्रत करा, अध्यापन करा, जो भी करा, सब तुझे देती हूं। जल छोड़कर दे दिया, जल छोड़कर दिया। ग्रह जो अभी तक बेकार दिख रहा था, ग्रह जो अभी तक भयंकर दिख रहा था, जैसे ही पार्वती जी का तप साधना का बल उस ग्रह को मिला, मिलते से ही वो ग्रह चमकने लगा, एकदम सुंदर हो गया। सोने जैसा चमक रहा है ग्रह, सोने जैसा। भाई क्रीम की चमक 15 दिन 20 दिन 6 महीना 8 महीना रहती है, पर अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर मरते दम तक रहती है, अच्छे कर्म की चमक। फिर कहेंगे एक बार, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव कथा कह रहे, भगवान शिव का एक आनंदमय संवाद कर रहा। पार्वती जी ने दे दिया अपना तब्बल, ग्रह चमकने लगा, मगर चमक गया, सुंदर हो गया, एकदम सोने जैसा चमक रहा था मगर। प्रसन्न चित्त में मगर ने कहा, ग्रह ने कहा, पार्वती जी आप इस बच्चे को लेकर जा रही हो, आपका ये बच्चा मैंने छोड़ दिया है, इसको मैं अब खाऊंगा नहीं, पर एक निवेदन करना चाहूंगा, आपकी जिंदगी लग गई, हजारों वर्ष आपने तप करा, बेलपत्री का पत्ता खाया, नासिका के एक श्वास से श्वास लेना उसी से छोड़ना, वो भी छोड़ दिया आपने, आपके शरीर पर मिट्टी दबती दलती चली गई, और आपने इतना बड़ा बड़ा तप करा, साधना करी, और एक मिनट में पराए बच्चे के लिए आपने वो तपबल दे दिया, आपने वो तपबल एक पराए बच्चे के लिए दे दिया। धन्य है पार्वती माता, मेरा निवेदन स्वीकार करिए पार्वती माता, मैं आपको आपका तपबल वापिस दे देता हूं। पार्वती जी कहती, नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, क्या करूंगी अब मैं इस तपबल का। आप अपने पास रखो, करूंगी क्या मैं तपबल का। पार्वती जी हजारों वर्ष का तप है तुम्हारा, जिस तप के बल पर तुम्हें देवाधिदेव महादेव मिले हैं, जिस तप के बल पर महादेव ने तुम्हें वरण किया है, जिस तप के बल पर भगवान शिव ने तुम्हें अपना बनाया है, यह हजारों वर्ष का तप है, हजारों वर्ष का। एक बड़ी सुंदर सी बात कहेंगे, जो शिव की शरणागति में रहता है, राम की शरणागति में रहता है, जो भगवान कृष्ण की शरणागति में रहता है, जो भगवान की सेवा में लगा रहता है,
कोई पुजारी हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई साधु हो, कोई सन्यासी हो, कोई तपस्वी हो, कोई साधक हो, कोई उपासक हो, या कोई साधारण सा मनुष्य हो, जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, भक्ति में लगा हुआ है, भगवान का सेवा करते करते उसका एक नेत्र के रोम के बराबर अंश उस सेवा करने वाले को मेरे महादेव प्रदान कर देते हैं। सेवा करने वाले, तुम देखना, कभी कभी कोई कोई बोलता है तो उसकी वाणी बिल्कुल सिद्ध हो जाती है, कोई कोई बुजुर्ग माताएं बोल देती है तो वाणी सिद्ध हो जाती है, कोई ब्राह्मण जन कह देता है, कोई पुजारी जन कह देता है, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई कह देता है, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। कारण भगवान की सेवा में वो निष्कपट भाव से लगा हुआ है, भगवान की सेवा में वो तल्लीनता से लगा, तो उसको एक महादेव के रोम बराबर का भी फल उसको मिल जाता है तो उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, उसके शब्द सिद्ध हो जाते। इस व्यासपीठ से, बेटमा की इस पावन धरा से आज एक बात कहना चाहेंगे, आपकी जिंदगी में अच्छी लगे उतार लेना, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी अच्छे से सुन लेना। एक लोटा जल लेकर जो देवाधिदे महादेव के मंदिर जा रहा हो, जो शंकर भगवान की आराधना कर रहा हो, रामकृष्ण की आराधना में डूबा हुआ हो, निवेदन है उसको देखकर कभी जिंदगी में हंसना मती और उस पर कभी उंगली उठाना मती, नहीं तो जिंदगी भर ना उंगली रहती है ना कहने के लिए शब्द रह पाता। जो नारी, जो बच्चा, जो पुरुष, जो बच्चा युवान हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी अवस्था का हो, नारी हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जिस वर्ण का हो, अगर वो शिव की आराधना में लगा है, शंकर के मंदिर में रोज जा रहा है, प्रतिदिन शिवालय में जाकर सेवा कर रहा है, भले झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, एक लोटा जल चढ़ाए, चाहे बेलपत्री रखे, चाहे निर्माल्य को लेकर विसर्जन कर आए, कुछ भी, अगर वो शिवालय में जा रहा है, शंकर की गुणगान गा रहा है, शंकर की आराधना कर रहा है, शिव महापुराण कथा सुन रहा है, शिव की अर्चना में लगा है, जिंदगी में कभी उस पर ना तो उंगली उठाना ना कभी अपशब्द कहना, क्योंकि शिव के भक्त कभी पलट कर जवाब नहीं देते, पर शिव के भक्त का जवाब वो महाकाल राजा कालाधिपति समय के अनुसार दे ही देता है, वो देता है। शिव का भक्त कभी जवाब नहीं देता, शंकर कालाधिपति त्रिकालदर्शी कैलाशी स्वयं देता है। जिस घर में माता पिता रहते हैं उस घर में बच्चे अगर झगड़ते भी हैं ना तो सबसे ज्यादा डांट लगाने वाले माता पिता होते हैं। बच्चे आपस में डांट नहीं लगाते, बहुएं आपस में डांट नहीं लगाती, पति देवर आपस में डांट नहीं लगाते, घर के बुजुर्ग बैठे हैं तो कह देते हैं अभी हम जिंदा हैं, क्या बड़बड़ कर रहे हो, चुपचाप बैठो, हम बैठे हैं ना, निर्णय हम देंगे, काम हम करेंगे। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, मृत्यु लोक का देवाधिदेव है महादेव। शंकर भगवान कहते हैं तुम्हारा बाप बैठा है, पिता बैठा है, जवाब मैं दूंगा, तुम्हें देने की जरूरत नहीं, जवाब मेरा महादेव देता है, जवाब मेरा शिव देता है। तुम्हें, तुम तो श्रृंगार करके शिव के मंदिर जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाओ, भगवान की भक्ति में डूबते जाओ, जवाब देने की जवाबदारी उसकी है, आपको नहीं देना है। एक बहन जी ने, एक भाई ने अपना फोटो लगाया जो कोमा में डूबा हुआ है, उस फोटो को देखकर हम क्या शब्द बोलें कि हम बोल भी नहीं सकते, उसका फोटो केवल दिखाओगे, जिसकी आंखें खुली की खुली रह गई, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, मरे सी कतार। उस व्यक्ति ने, जो आप देखेंगे उस फोटो को तो आपकी आंख में भी आंसू हो जाएगा कि ये व्यक्ति जिंदा रह सकता है जिसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं कहूंगा आस्था वालों को जरा दिखाइएगा इस व्यक्ति का भी, इस फोटो जरा उस पर दिखाएं कैमरे पर, जितनी एलईडी लगी है उन पे भी और आस्था चैनल पे, उम्मीद लग सकती है कि जिसकी आंखें खुली की खुली रह गई हो, जिसकी आंखें खुली की खुली रह गई हो, जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ हो, सब दूर नली नली लगी हो,
वो उसके बचने का सार्थत्व नजर आ सकता है। पर उसने पत्र में लिखा है, जिसने ये पत्र भेजा है, मेरा नाम अनीता पाटीदार है, मैं दनियाल खेड़ी आगर मालवा की निवासी हूँ, मेरी उम्र 45 वर्ष है। गुरुदेव, मैं वाणी से क्या वर्णन करूँ, मेरे भोलेनाथ ने जो दिया वो कम ना दिया। जिसने लिखा है अपने हाथ दोनों हिला दें, अगर बैठी हों कहीं तो आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दीजिए। हाँ, दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, देवर का एक्सीडेंट हुआ, कोमा में चले गया, जिसका फोटो आपने देखा, डॉक्टर ने हाथ खींच लिए, मना कर दिया, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, डॉक्टर ने कह दिया अंतिम सांस है, आंखें खुली की खुली रह गई है, बचना मुश्किल है। शिव मंदिर गई, केवल एक आस लेकर गई थी, उस दिन मेरा पशुपति व्रत था, तीसरा पशुपति व्रत, शिव मंदिर में जाकर केवल एक बेलपत्र उठा कर ले आई। आपने मना करा था, पर मैं उस देवर के लिए गई और शिव मंदिर से एक बेलपत्र लाकर डॉक्टर से कहा, आप कह रहे हो उसकी आंख खुली रह गई है, वो जा चुका है, वे बेलपत्र कुछ तो असर करेगी डॉक्टर साहब, एक बार उस बेलपत्र को मैं उसकी छाती पर रख दूं। बेलपत्र उसके छाती पर रखा गया, शिव जी की कृपा से श्वास फिर चलना प्रारंभ हुई और जीवित हुआ। यह शिव तत्व है। डॉक्टर ने कहा था इसकी याददाश्त चली जाएगी, माइंड काम नहीं करेगा, खून के थप्पे जम गए सिर में, पत्र में लिखा है बहन, खून के थप्पे जम गए, अगर जीवित भी रह गया तो मरे जैसा रहेगा। गुरुदेव, इस पत्र में बहन ने लिखा है कि उसकी सांस भी चल रही है और हाथ पैर भी चल रहे हैं, उसकी याददाश्त भी पूरी है, ये मेरा शिव है, ये मेरा उगड़ी है। बहन बैठी है, हर हर महादेव, बैठ जाइए। शिव तत्व इसी को कहते, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शिव की आराधना का फल खाली नहीं जा सकता, जवाब आपको नहीं देना है। शिव का भक्त कभी पलट कर जवाब ना दे, शिव के भक्त को जवाब नहीं देना है। उस काल अधिपति जिसने काल बनाया, समय बनाया, समय की सुई बनाई, तिथि बनाई, वार बनाई, इसलिए उसको महाकाल कहते हैं। वो महाकाल जब आएगा, समय पर जवाब देकर जाएगा, आपको नहीं। पार्वती जी, आप ये वापिस ले लो पुण्य। पार्वती जी कहती है, पुण्य वापिस नहीं लूंगी, इस बच्चे को मैंने बचा लिया बहुत है। उसी बच्चे में से देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए, शंकर भगवान प्रकट हो गए, और शिव जी ने आकर कहा, पार्वती मैंने तो तेरी परीक्षा ली थी, क्या तू दया कर सकती है, क्या तू श्रद्धा रख सकती है, क्या तू अपना पुण्य दे सकती है, बस उसको देखना था। शिव जी कहते पार्वती वापिस ले ले। पार्वती कहती नहीं, मैंने महादेव को दे दिया और क्या चाहिए। वक्त पड़ने पर अगर तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में कोई बीमार भी पड़ा है, तुम्हारे पास अगर कोई रुद्राक्ष है सीहोर का, तो सीहोर का रुद्राक्ष ले भैया, ले जाओ, जरा पानी पिला देना, अगर है बच जाए, बाबा की कृपा हो जाए, उससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। अपना पुण्य सामने आ जाए, उससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। भगवान शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर कुंदकेश्वर महादेव के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान कुंदकेश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। आज सुंदर प्रसंग में मां पार्वती के पावन प्रसंगों को श्रवण किया, कल कथा का छठा दिवस रहेगा, बड़े आनंद के साथ कल की कथा यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। परसों की जो कथा होगी, समापन वाले दिन 7वें दिन की जो कथा होगी 6 तारीख की, वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी, पर टीवी पर वो कथा 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी। कल की कथा 1 बजे से 4 बजे ही रहेगी, परसों की कथा, विराम दिवस की कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी। बड़े आनंद के साथ 2 दिवस की कथा हो रही है, दिल से, हृदय से, भाव से श्रवण करें। और निवेदन सभी से, अपनी चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स का ध्यान रखें, कोई भी सोने की रकम पहनकर, चाहे कहीं पर भी कथा हो, इस कथा के बाद में अगली कथा 14 से 20 मार्च तक नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में होने जा रही है, उमा पब्लिक स्कूल, इकोटेक 11, बेनेट यूनिवर्सिटी के पास, दनकोर, ग्रेटर नोएडा। समय रहेगा कथा का ग्रेटर नोएडा में 2 बजे से 5 बजे तक। आप वहां पर भी, अगर जो लोग कथा में आ रहे हैं उनसे निवेदन है, सोने की कोई रकम लेकर नहीं आएंगे,
सोने चांदी की रकम कोई पहन कर नहीं आए और ना कथा के पंडाल में सोना चांदी लेकर आए। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर कथा पांचवें दिवस की हम सभी ने श्रवण करी। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पूज्य गुरुदेव ने भी बताया कि कल की कथा का समय वही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा और लास्ट 6 तारीख के दिन की कथा का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। आप सभी इस बात का विशेष ध्यान रखें, लेकिन उस कथा का प्रसारण दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगा और इसके बाद में 14 मार्च से 20 मार्च तक ग्रेटर नोएडा की पावन धारा पर सुंदर बाबा भोलेनाथ की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। उमा पब्लिक स्कूल इकोटेक 11 विनेट यूनिवर्सिटी के पास दनकोर ग्रेटर नोएडा में। बच्चे को बचाने के लिए ग्रह से निवेदन करा, ग्रह ने पार्वती जी से एक बात कही, इस बच्चे को मैं एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। कौन सी शर्त? तुमने जिंदगी में जितना तप करा, जितनी आराधना करी, जितनी साधना करी, जितनी पूजन करी, जितना व्रत करा, जितना उद्यापन करा, सारे व्रत का तप का साधना का सब कुछ फल तुम्हें मुझे देना पड़ेगा, तुम इस बच्चे को छोड़ देता। अगर तुम स्वीकार करो तो इस बच्चे को छोड़ दो। अब ध्यान देना जरा सा, तुम्हारे द्वारा किया गया पशुपति व्रत, तुम्हारे द्वारा किया चढ़ाया गया एक लोटा जल, तुम्हारे द्वारा चढ़ी गई एक बेलपत्र, तुम्हारे द्वारा मंदिर में लगाया गया झाड़ू पोछा खाली नहीं जाता, एक ना एक दिन तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुमने जो करा उसका फल तुम्हारे सामने है। जो तुमने करा उसका फल मिलेगा। वो प्राप्त जरूर होगा। आपने जो व्रत करा, आपने जो साधना करी, आपने जो तप करा, ये सारे तप का फल ग्रह कह रहा है, मगर कह रहा है मुझको दे दो, वो घड़ियाल कह रहा है मुझे दे दो। पार्वती जी कहती हैं ठीक है ले लो, छोड़ो संकल्प। संकल्प छोड़ो, पार्वती मैया ने सरोवर का जल हाथ में लिया और सरोवर का जल हाथ में लेकर माता पार्वती जी कह रही हैं, सुनो ग्रह, ए घड़ियाल, ए मगर, इस अनजान बच्चे के प्राण को बचाने के लिए मेरी जिंदगी का जितना मैंने तप करा, साधना करी, व्रत करा, उद्यापन करा, जो भी करा सब तुझे देती हूँ। जल छोड़कर दे दिया, जल छोड़कर दिया। ग्रह जो अभी तक बेकार दिख रहा था, ग्रह जो अभी तक भयंकर दिख रहा था, जैसे ही पार्वती जी का तप साधना का बल उस ग्रह को मिला, मिलते से ही वो ग्रह चमकने लगा, एकदम सुंदर हो गया। सोने जैसा चमक रहा है ग्रह, सोने जैसा। भाई क्रीम की चमक 15 दिन 20 दिन 6 महीना 8 महीना रहती है, पर अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर मरते दम तक रहती है। अच्छे कर्म की चमक, फिर कहेंगे एक बार, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू
बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञान रे, मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव कथा कह रही,